सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों आज का टाइम है अंग्रेजी का। जी हां दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं कोई, या अगर आप किसी अच्छी जगह पर रह रहे हैं और अगर आपसे कोई अंग्रेजी में बात करता है और अगर आपकी पकड़ अंग्रेजी में अच्छी नहीं है तो आप उसके सामने नर्वस हो जाते हैं और आपको शर्म महसूस होने लग जाती है। या फिर कहें कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई आपसे अंग्रेजी में बात करने लग जाता है तो हम उससे थोड़ा अलग हटने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से कुछ ही समय में बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ज़रूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की। और दोस्तों मेरी गारंटी है और दावा है कि अगर आपने लगन से इस स्टेप को अपना लिया, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे या कभी भी आपको शर्म महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है। दोस्तों अंग्रेजी आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखिए हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। तो ये आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है हेलो इंग्लिश, आपको लिखना है हेलो इंग्लिश। देखिए हेलो इंग्लिश, जैसे आप हेलो इंग्लिश लिखेंगे तो पहले नंबर पर ही आपको एक ऐप शो होगी, हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश। दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर आप प्ले स्टोर पर इंग्लिश भी लिख देंगे तो इंग्लिश सीखने से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐप्स, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐप्स बहुत यहाँ पर शो होंगी, जिसमें आपको लगेगा कि ये अच्छी है या वो अच्छी है। लेकिन मैंने यहाँ पर कई रिसर्च करी है और मैं आपको इस ऐप के बारे में, जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ऐप है और आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके एक बार इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, जैसे आप हेलो इंग्लिश लिखेंगे तो उसके आगे अपने आप लर्न इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, ये इसका लोगो है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश इस ऐप का नाम है और दोस्तों मैं आपको देखिए बता दूँ कि 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग देखिए 4.6 की है, जिसे 660,000 लोगों ने इसको रेटिंग किया है। तो ये ऐप बहुत ही अच्छी ऐप है, जब भी इतने लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन कर लेंगे तो देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। अब देखिए अगर आप किसी भी भाषा से संबंध रखते हैं, मान लीजिए आप साउथ के रहने वाले हैं भारत में, या आप नॉर्थ की तरफ रहने वाले हैं, या आपको कोई सी भी अगर भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप पहले नंबर पर देख सकते हैं इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, मतलब हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पर आप तेलुगु से अंग्रेजी सीख सकते हैं, यहाँ तमिल से सीख सकते हैं, मराठी से सीख सकते हैं, मलयालम से सीख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बंगाली से, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असम, मतलब किसी भी भाषा, उर्दू से, किसी भी भाषा से आप यहाँ पर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ऐप है ये। देखिए मैं अब यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए, तो वहीं पर आपको ये क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसको। जैसे ही मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूँ, अब जैसे ही आप पहले नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए मैंने हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए क्लिक किया था तो यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में मुझे बताई गई हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी भी भाषा को अगर जानते हैं तो आप उस भाषा को आप चुन सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से आप यहाँ पर आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखला होगा कि लेसन एक लीजिए, मतलब यहाँ पर आप पहले लेसन से लेकर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये बातचीत करने का तरीका आपको यहाँ पर बताया गया है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर गेम खेलकर भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और आप ऊपर अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन दिए, पहले नंबर पर ये आपका होमवर्क है, दूसरे पर आप सारे लेसन देख सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, तीसरे नंबर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिक्शनरी भी देख सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आपको पता चल जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर नए ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं लेसन वन, तो देखिए लेसन वन पे मैं आपको बता दूँ कैसे आप यहाँ पे करेंगे। तो मैं लेसन वन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने अभी लेसन वन पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि नाम पूछना और बताना, कि किस तरह से हम नाम पूछें और किस तरह से बताएं। तो यहाँ पर स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉइन भी दिए जाएंगे, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन आपको खिलाएंगे ताकि आप मन लगाकर यहाँ पर सीखें। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया माय नेम इज़ पूजा, या मेरा नाम है पूजा। तो देखिए अगर आपको कुछ
शब्द समझ नहीं आ रहे कि उनको हम किस तरह से बोलें, तो आप यहाँ पर स्पीकर के निशान पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको बोल के बताएंगे कि क्या बोला गया है। तो मैं देखिए अभी अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए या सुनाई भी दे। तो मैं अपने फ़ोन की वॉल्यूम मैं बढ़ाने वाला था, थोड़ा कम हो गया। मैं आपको अभी पूरी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। ये फ़ोन की वॉल्यूम मैंने फुल कर दी। अब देखिए मैं यहाँ पर स्पीकर के बटन पे क्लिक करता हूँ। माई नेम इज पूजा। तो सुना आपने, तो यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि माई नेम इज पूजा, ये इंग्लिश में है, और हिंदी में तो हमें पता है कि इसको हम कहेंगे मेरा नाम है पूजा। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें एक नया क्वेश्चन दिया गया है, मेरा नाम पूजा है का अंग्रेजी में अनुवाद हमें बताना है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी अगर पता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए गलत आंसर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि जैसे ही हम गलत पे करेंगे तो ये हमें बिल्कुल सही आंसर बताएगा और क्या यूज़ करना है हमें वो भी बताएगा। जैसे हमें पूछा गया मेरा नाम पूजा है को अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो मैं इस पर गलत कर देता हूँ, माई सेल्फ पूजा। ठीक है, तो माई सेल्फ पूजा पे कर देता हूँ मैं। देखिए तो हमें यहाँ बता दिया गया है कि ये गलत जवाब है, माई सेल्फ पूजा नहीं होता। माई सेल्फ मतलब खुद या अपने आप को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ पे कोई दूसरा भी गलत आंसर चुन लेता हूँ, जैसे पहले नंबर पे। तो देखिए यहाँ पर भी गलत जवाब आ गया, माय नेम के बाद हमेशा इज लगता है, आर नहीं। तो अब यहाँ पर आपको सही जवाब पे क्लिक करके बताता हूँ कि माय नेम इज पूजा। ये थी माय नेम इज पूजा। तो ये आपको बोल के भी बताएंगे कि किस तरह से ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया गया है, आप देखिए मेरा नाम, कि मेरा नाम को अब हमें यहाँ से चुनने हैं अक्षर, कि इनमें से कौन कौन से वर्ड यहाँ पर आएंगे जो कि मेरा नाम हो सकता है, मतलब माय माने मेरा और नेम। ठीक है, तो यहाँ पर माय और फिर नेम, तो ये माय नेम हो गया। अब इसको हम चेक पे क्लिक करेंगे, तो चेक करेंगे से देखिए ये करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आएगा, तो आप इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भरिए या कुछ भी कीजिए, तो आपको नए नए टास्क यहाँ पर दिए जाएंगे जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ, अब मैं आपको दूसरे आगे बताता हूँ। अब देखिए हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखिए लेसन वन पर गेम खेलकर हम कैसे सीखें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर एक गेम आएगा, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर चाय का एक गेम होगा, मतलब चाय ख़त्म होने से पहले आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उन्हें आपको जवाब देना है। मैं खेले पर क्लिक करता हूँ। देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़ना है। देखिए मैं एक छात्र हूँ का सही जवाब आपको देना है, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एम ए स्टूडेंट। तो चाय खत्म होने से पहले आपको यहाँ पर आंसर देना है, मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम ए टीचर। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। इसी तरह से आप आगे खेल सकते हैं और खेल कर आपको सही जवाब यहाँ पर पता चलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये ऐड खुल गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपको सारे लेसन यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि आपको हर लेसन में क्या क्या सिखाया जाएगा। लेसन टू में हेलो हाउ आर यू या बातचीत करना, किस तरह से हम किसी से मिलते हैं, इस तरह से कैसे पूछें, कैसे बात करें, वो सिखाया जाएगा। लेसन थ्री में हम किसी से जो पूछने की आप कहाँ से हैं, जानकारी जो हासिल करते हैं उस बारे में, उस तरह से। लेसन चार, लेसन पाँच, इसी तरह से नीचे बहुत सारे लेसन हैं। आप हर दिन एक नया लेसन आप सीख सकते हैं। और ऊपर अगर आप डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप इस पर क्लिक करके उसका हिंदी का मीनिंग भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर हम आपको, चलिए मैं कुछ भी आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए ये जैसे ठीक है, मैंने ये एक दिया एक सेलेक्ट, आपको मान लीजिए इसका वर्ड नहीं पता तो ये आपको इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों देखा कितनी आसानी से आप यहाँ पर अंग्रेजी के सारे वर्ड बना सकते हैं, गेम खेल कर इंग्लिश सीख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप कुछ ही दिनों में अंग्रेजी के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों हम बेकार की वीडियो को तो लाइक कर देते हैं, लेकिन जो अच्छी वीडियो जानकारी देने वाली होती है उसे हम लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब के लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।